हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं यहाँ पर इस वीडियो में हमारी जो डीएफ हैं, जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, उनकी एनर्जी चेक करना चाहूँगी कि वो जो हैं किस तरह की प्रोग्रेस कर रही हैं अपनी लाइफ में। तो आइए देखते हैं कार्ड्स। किंग ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स की करूँगी। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा पावर में हैं। वो अपना प्रोफेशन जो है उन्होंने, मे बी हो सकता है अवेकनिंग के बाद कुछ लोगों ने अपने करियर चेंज कर लिए, वो अपने पैशन को अपना रही हैं, अपनी क्रिएटिविटी को अपना रही हैं और काफ़ी पावर में हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है और वो काफ़ी पॉजिटिव सोच रही हैं, अपनी मेटलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोच रही हैं, अपने प्रोफेशन को किस तरह से ग्रो करना है वो सोच रही हैं। वो डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन के बारे में भी सोचती हैं, लेकिन वो अपने आप अपनी लाइफ को किस तरह से ग्रो करना है वो ये सोच रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है और उन्हें मालूम है यदि डिवाइन मैस्कुलाइन अभी इस वक्त वापस से आपसे कनेक्शन करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जो हैं इस पावर में हैं कि आप सही डिसीज़न ले सकती हैं अपनी लाइफ का, कि आपको जो है उनके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। क्योंकि ये इस तरह की एनर्जी है कि ये इंसान जो है ये अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना जानता है, इसे पता है कि इसे क्या डिसीज़न लेने हैं लाइफ में। क्योंकि ये एक राजा की एनर्जी है, ये किंग की एनर्जी है, एक इसे पता है कि मुझे सभी कुछ चीज़ों को देखते हुए जो है वो निर्णय लेना है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स में भी कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को जो है मनी के इश्यूज भी हो रहे हैं, और यदि मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूँ, तो आपको जो है डिवाइन फेमिनाइन जो है अभी थोड़ा सैड फील कर रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। उसकी जिस तरह की आदतें हैं वो मुझे उन आदतों की वजह से, उन हैबिट्स की वजह से, उन चीज़ों की वजह से वो मुझे जो है खो देगा। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट करने वाली बात हो रही है बिल्कुल, और कुछ भी इस तरह का आगे जो है वो प्रोसीड होता हुआ मुझे नहीं नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह की एनर्जीज आ रही है डिवाइन फेमिनाइंस में। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी ये जो कनेक्शन है ये पता नहीं किस साइड जा रहा है और कुछ भी प्रोसीड नहीं हो रहा है, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ों का अंत हो जाएगा। इट्स अ टेन ऑफ सोर्स, जस्ट लाइक द डेथ कार्ड, टेन ऑफ सोर्स, मृत्यु। मृत्यु के बाद क्या होता है? न्यू जीवन होता है, न्यू थिंग्स होती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ये उसी तरीके का कार्ड है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें अभी जिस तरह के चल रही हैं वो डीएम जो है वो उनकी अवेकनिंग हो रही है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हैं तो। एस ऑफ पेंटिकल डिवाइन के द्वारा दिया हुआ ये कनेक्शन है, ये डिवाइन का हाथ है, डिवाइन का हैंड है, ये उन्होंने आपको ये कनेक्शन दिया है। वो जानते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है। उन्हें मालूम है कि ये आपके लिए अच्छा है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप होप बनाइए, पेशेंस रखिए और इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। द सन, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, मेजर आर्काना, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड होता है ये टैरो में। द सन मीन्स न्यू बिगनिंग, सो हैप्पी रहिए और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप अपने कामों को कर सकते हैं।
हर वक्त ये मत सोचते रहिए कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन कब आएगा कब आएगा। ठीक है, वो आ जाएगा। जैसे जिस तरह से आपकी अवेकनिंग हुई, आपने अपना टाइम लिया और आपने अपने आप को ग्रो किया, लेकिन अभी टाइम है कि उनको भी आप टाइम दीजिए ना, आप उनको भी टाइम दीजिए ताकि वो अपने कर्मास को रिजॉल्व कर सकें। जिस तरह से आपने अपने कर्मास को रिजॉल्व किया, आपने अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, आप एक कूल एंड काम एनर्जी में आए, आपने अपने आप को ग्रो किया, उसी तरह का टाइम उनको भी दीजिए। डोंट डू दैट, डोंट चेस योर डिवाइन मैस्कुलिन, उससे कुछ नहीं होने वाला। उन्हें आपको प्रपोज करने दीजिए, उन्हें आपके पास आने दीजिए, उन्हें आपके पास आके माफ़ी मांगने दीजिए, अपोलोजाइज करने दीजिए। डोंट डू दैट। मैं देखती हूँ कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस जो होती हैं वो बस ये सोचती रहती हैं कि कब आएगा मैस्कुलिन, कब आएगा कब आएगा। जैसे आपने अपने करियर को चेंज किया, जैसे आपने अपने आप को ग्रो किया, आप अपने पैरों पे खड़ी हो रही, वैसे उन्हें भी करने दीजिए। आप उनको उनका काम करने दीजिए। आप एक पेशेंस रखिए, आप एक होप बना के रखिए, आप एक पॉजिटिविटी रखिए अपने अंदर और डिवाइन के उसको सरेंडर कर दीजिए। अगर डिवाइन ने आपको ये प्रपोजल दिया है, ये कनेक्शन दिया है, ये सोल कनेक्शन दिया है, तो आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें अभी मैं एडवाइस लेती हूँ। एडवाइस में यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है। देखिए ये जो है यहाँ पे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ये आधा हिस्सा जो है डिवाइन मैस्कुलिन का है, आधा हिस्सा डिवाइन फेमिनाइन का है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हैं, अलग अलग होते हुए भी। शिव और पार्वती वाला यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, शक्ति का एग्जांपल दिया गया है। आप दोनों को मिला के एक पावर बनती है, एक सोल कनेक्शन है आप लोग। तो आप लोगों में दोनों में ही एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप बैलेंस हो गई हैं तो ये हिस्सा देखिए ना, आप ये अभी बैलेंस नहीं है तो वो बैलेंस हो रहा है। तो आपको भी अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को, अपने इनर वर्क के द्वारा, अपनी हीलिंग के द्वारा। थर्ड टावर, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं, कुछ किसी भी तरीके की मनी इशू हो रहा है, या फिर इस कनेक्शन को लेके अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी प्रोसीड नहीं हो रहा है, कुछ बात नहीं हो रही है, कुछ भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं डिवाइन टाइम की वजह से हो रही हैं। और टावर कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि डिवाइन का इंटरफेयर होगा और चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये जो है ऑल जो है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी चेक है, लेकिन ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप हैं या नहीं हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल पाथ में हैं या नहीं हैं, लेकिन वो पेड रीडिंग होगी, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल काउंसलर, हीलर एंड अ टैरो कार्ड रीडर, मेडिटेशन ट्रेनर। सो फ्रेंड्स आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टा पे, मेरी एफ बी पेज दीपिका मेडिटेशन पावर, सेम नेम है इंस्टा में भी, एफ बी पेज में भी, तो आप मुझे कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मुझे यहाँ पर न्यू देख रहे हैं वो मैं उनका मोस्ट वेलकम करती हूँ, और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।